हाय फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस स्किल पे। अभी हम लोग लाने वाले हैं केमिस्ट्री का VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या क्या होती है? तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? तो लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, यानी कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसको बोलते हैं प्रत्यम्ल को बनने से रोका जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो 3 से लेकर अगर 10 होंगे तो उसको बोलते हैं ओलिगो, और 2 तक रहेगा तो डाइसैकेराइड, और 1 रहेगा तो मोनोसैकेराइड बोलते हैं। तो 3 से ज्यादा अगर रहेगा तो ओलिगो में आ जाता है, यानी कि 3 से 10 तक के बीच में ओलिगो कहा जाता है। अमोनिया आद लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला रंग में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डिटोल का उपयोग किया जाता है किसमें? तो डिटोल का उपयोग प्रतिरोधी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो अल्कोहल का क्रियाशील OH होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो एक अपरूप के रूप में होता है। उजला फास्फोरस का ये अपरूप है, उजला और पीला फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं तो अधातु है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्यूनायन तथा ब्यूना एस क्या है? एक तो संश्लेषित रबर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैस एकल परमाणविक है? तो एकल परमाणविक वाला जो गैस है वो हीलियम है, जिसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? तो 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुक्रोज का अन्य सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 एक सुक्रोज का सूत्र है। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक गर्म किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसे भर्जन कहते हैं। उसके गलनांक पर अगर गर्म किया जाता है तो भर्जन कहलाता है। CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो CH3COOH का है, इसमें 2 कार्बन है, तो इथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की कितनी संख्या है? तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या टोटल 8 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? तो ओलियम में जो उपस्थित रहता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि SO3 को ही बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। K4FeCN का हॉल 6 में, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है, इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या Fe का +2 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। K3FeCN6 यानी कि इसमें जटिल यौगिक है, ये कैसा यौगिक है ये बताना है। तो ये उप सह संयोजक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? तो इसको इथाइल एमीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। H2SO4 इनमें से क्या है? तो द्विभाषमिक, एकल भाषमिक, द्विअम्लीय, तो ये है द्विभाषमिक अम्ल, यानी कि H2SO4 को ही बोलते हैं द्विभाषमिक अम्ल। NH3 में N का संकरण कितना है? हाइब्रिडाइजेशन, तो N का संकरण sp3 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हीलियम का सूत्र क्या है? तो हीलियम को सूत्र आप बोल सकते हैं, यहाँ गलती दे दिया है, यहाँ संकेत देना चाहिए था। तो हीलियम का संकेत HE होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? यानी कि ग्रुप आवर्त सारणी के पहला ग्रुप के तत्वों को क्या कहते हैं? तो पहला वाले तत्वों को बोलते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है। संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक तत्व से भी नाम से जाना जाता है, यानी डी ब्लॉक बीच में होता है, पहले लेफ्ट में होता है एस, फिर पी, बीच में डी और नीचे एफ, तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये बोल रहा है कि ये यौगिक का नाम क्या है? तो इस यौगिक का नाम है फेनॉल, क्योंकि बेंजीन रिंग से अगर OH जुड़ा रहता है तो इसका नाम हो जाता है फेनॉल। ऑप्शन नंबर बी सही है। पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन जो बनता है
वो इथीन से बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि पॉलीथीन का एक बहुलक इथीन है, पॉलीथीन का बहुलक इथीन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल एक एकत्र नहीं की जा सकती है, यानी कि कौन सा गैस जल एकत्र नहीं किया जा सकता है, गैस जल यानी कि गैस जल के फॉर्म में एकत्र नहीं किया जा सकता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। PCl5 क्या है, ऑक्सीकारक है, अकारक है, तो ये सिर्फ ऑक्सीकारक है। फिर नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि से, तो ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ज्वरनाशी, यानी कि ज्वर मैंने बुखार अगर कम करने के लिए जो दवा यूज करते हैं उसको ज्वरनाशी कहा जाता है। तो थैंक यू इस वीडियोज को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।